पांधरो पास थी लिग्नाइट खाण में विश्व अत्यारुधीना सौथी मोटा साप वासुकी अवशेषो मिली आया है। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकी नु आ संशोधन छे जे जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रसिद्ध थयो छे। आ साप 49 फूट लांबो होवानुं ने अवशेषो 4.9 करोड़ वर्ष जूना होवानुं संशोधन थयुं छे। सापनी करोड़रज्जुना 27 जेटला अवशेषो बहार काढवामां आव्या छे अने तेने वासुकी इंडेक्स नाम आपवामां आव्युं छे। ओडिशानी रूरकी आईआईटीना बे निष्णात संशोधको देवाजीत दत्ता और सुनील बाजपाए कच्छना पांधरो में लिग्नाइट खाण में वासुकी अवशेषो पर संशोधन कर्यु छे। तमने जणावी दीए कि वासुकी साप कद में एटलो मोटो छे कि ते वर्ष 2009 में कोलंबिया में कोळसानी खाण में मळी आवेला टिटनोबा नामना बीजा विशाळ प्रागैतिहासिक साप ने टक्कर आपे छे। टिटनोबा अंदाजित 42 फूट लांबो होवानुं अनुमान छे जे 60 मिलियन वर्षो पहेला हता। વાસુકીના મળી આવેલા અવશેષો પરથી આગામી સમયમાં આવા સાપોની રહેણી કરણી કેવી હતી, શું ખોરાક હતો, કઈ રીતે શિકાર કરતા હતા, કયા પ્રકારના વાતાવરણમાં રહેતા હતા વગેરે જેવી માહિતી પર સંશોધન કરવામાં આવશે। ये जो अवशेष मिले हैं बेसिकली साइंटिफिक नेम उसका वासुकी इंडिकस है और इसको डिस्कवर किया है आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर प्रोफेसर सुनील वाजपेयी करके उनकी टीम ने इसको डिस्कवर किया। इनिशियली 2005 में स्टार्ट किया गया था और 2019 में उन्होंने जब उसमें से सेडिमेंट्स निकाले और सारा चेंज किया, उसको करा एनालिसिस किया तो उसके हिसाब से उनको लगा कि दिस इज बिग स्नेक, एक बड़ा स्नेक का फॉसिल है और इसका साइज जो है वो एनाकोंडा और जो पाइथन है जो आज के टाइम से उससे भी बड़ा है। ये जो फॉसिल मिला है उसके अंदर उन्हें करीबन 27 वर्टिब्रस मिले हैं और उनको क्लीन करने के बाद में उसके साथ में हमको जब उसको अच्छे से क्लीन करा गया तो उसको द फॉसिल्स जो उसके मिले हैं रिमेन्स वो पूरे के पूरे हमको बताते हैं कि ये आपका स्नेक का फॉसिल है। और ये जब 47 मिलियन ईयर्स जब हुआ था तो उस टाइम पर हमको जब 47 मिलियन ईयर्स पहले ये मिला तो उस टाइम पे बहुत कंड्यूसिव एनवायरमेंट था और वो एनवायरमेंट इतना अच्छा था कि ये लोग इतना बड़े फैल सके, इतने अच्छे से ग्रो हो सके। जो उन्होंने डेट निकाला है दैट इज अराउंड 47 मिलियन ईयर्स ओल्ड और अभी इसके अंदर और उसकी लाइक उन्होंने उसको जीनस नाम दे दिया है इसका वासुकी इंडिकस जो कि एक क्रेडेंशियल है हमारे लिए कि इंडिया का नाम मिला है उसको। और वासुकी जो शिवजी का स्नेक शिवजी के गले में जो सर्प है उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है तो वो एक और बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए। और अभी इसके अंदर संशोधन में और ये है कि वो उसका ईटिंग हैबिटेट क्या था, फिर उसके बाद में उसका आजू बाजू का एनवायरमेंटल हैबिटेट क्या था, फिर उस समय क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी, ये सब चीजों के साथ में हम रिलेट कर सकते हैं।